आज हम लोग जा रहे हैं आरामबोल बीच, वहाँ पे एक स्वीट वाटर लेक की स्पॉट है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते का जो सफ़र है उसको आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। लेट्स गो। आप देख सकते हैं टूरिस्ट लोग यहाँ पे खड़े होकर ना फोटो क्लिक करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस व्यू। दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज, वहाँ पे भी आप देख सकते हो लंबा। तो बेसिकली क्या है ना कि आरामबोल जाने के लिए कैलंगुट से ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स की डिस्टेंस होती है, एंड ये वाली जो रोड है सीधा कनेक्ट करती है आरामबोल। सो इस वाले रोड पे ना बाइक चला के सच में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एकदम सा लंबा रोड है, चारों तरफ जंगल है, छोटे छोटे पहाड़ है, एंड हवा तो मत बोलो यार बस। एंड यही नहीं, आरामबोल से भी वहाँ पे कहीं पे बाइक रख के हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा स्वीट लेक के लिए। तो फिर मैं आपको आरामबोल की गलियाँ दिखाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के, वीडियो पे बने रहे। तो भैया हम लोग आ चुके हैं आरामबोल बीच के साइड पे, ये वाली जो गली है आरामबोल की गलियां हैं, एंड दिस इज़ द लैंड ऑफ रशियंस। आप बोल सकते हो कि ये एकदम फॉरेनर वाली जगह है, यहाँ पे आपको हर जगह सिर्फ फॉरेनर से देखने वाले हैं। तो फटाफट मैं वीडियो को फास्ट करता हूँ, इस गली का मजा लीजिए आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे बाइक पार्क कर चुके हैं, अब नाउ वी हैव टू वॉक फॉर एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स टू रीच दिस स्वीट वाटर लेक आरामबोल की गलियों में। सो ये रास्ता अभी एक बीच की तरफ जाएगी, आपको दिख रहा होगा बीच आगे। सो इसी बीच से साइड से हमें जाना है स्वीट वाटर लेक की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बाइक नहीं जा पाती है, ना ही कोई कार जा पाएगी। आपको यहीं पे आके बाइक या फिर कार कहीं पे पार्क कर देना पड़ेगा, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है। ये जो साइड में आप बाइक स्कूटी देख रहे हैं ना, ये सारे मतलब नॉर्मल पार्किंग है, यहाँ पे किसी को कोई रिस्क मतलब अपने ऊपर है। तो आप, मैं बोलूँगा फ्री पार्किंग पे ना जाएं, किसी के घर पे बात करके बाइक वहाँ पे लगा दे, पैसे दे के, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, लास्ट में पता चल। सो अबे ये समंदर देख रहा है, दिस इज आरामबोल बीच। अब नाउ हम लोग को उधर से जाना पड़ेगा। ये सब हमारे साथ है, सबका चेहरा देख के रखो, भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, एंड थैंक यू कि तेरे दादाजी ने इतना अच्छा जगह बनाया हमारे लिए। सो दिस इज अ सीक्रेट प्लेस ऑफ आरामबोल, चारों तरफ रशियंस फॉरेनर्स सारे के सारे बेस है, इस तरह के व्यू। सो अभी तक मैंने जितने भी मार्केट देखा है, ये आरामबोल वाली मार्केट काफ़ी लंबी है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। सो दिक्कत नहीं, आरामबोल आ रहे हो तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाने वाला है, शूज़, सैंडल, शर्ट, बहुत कुछ। एक बहुत सुंदर सा स्पॉट है, रॉक्स, काफ़ी स्लिपरी एंड डेंजरस है, अगर गिरे तो हाथ पैर टूटेगा, सही बताऊँ, पर फिर भी लोग वहाँ पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। एंड ये वाली जो मार्केट है ना, ये इसी मार्केट से ही होके आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा स्वीट लेक, स्वीट वाटर लेक के लिए। बट इस जगह पे खरीदने का बहुत कुछ है, प्राइसेस भी नॉर्मल है, जो बाकी जगह पे थोड़ा हाई प्राइस रहता है, यहाँ पे मुझे एक कैब भी 100 रुपीज़ की मिल जाने वाली है। बट यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स लेंगे, UPI नहीं चलता है, बिकॉज नो मोबाइल कवरेज। सो स्वीट वाटर लेक की तरफ जाने के लिए पहली बात, वंस यू स्टार्टेड वॉकिंग ना, आपके फ़ोन की नेटवर्क चली आती है। अगर आपको इस पूरे बाज़ार में, यहाँ पे लाइन से बाज़ार है, आपको कुछ भी खरीदना तो आप खरीद नहीं पाओगे, आप यू हैव टू कैरी कैश, सो देयर इज नो नेटवर्क कवरेज। तो स्वागत है हमारा स्वीट लेक आरामबोल पे, अब यहाँ से मेन चढ़ाई हमारी चालू। अभी इतने दूर चलने के बाद, ऑलमोस्ट 700 मीटर चलने के बाद ये जगह आई है, एंड ये काफ़ी फेमस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको पत्थर के ऊपर से चल के उस तरफ जाना है, देन यू विल बी गेटिंग दिस स्वीट वाटर लेक। लेट्स सी, इट्स क्वाइट टफ, पैर स्किट नहीं करना चाहिए भाई, आराम आराम से चलना, गिरना मत। यू आर मोस्ट वेलकम हैंडसम, दैट इज क्वाइट रिस्की। हाँ यही डिफिकल्ट लग रहा है यार, आराम से आराम से आराम से।
ओप्स, इट्स रिस्की। यहाँ के रेगुलर लोग चले जा रहे यार, बट हमें थोड़ा तकलीफ तो होगा। फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है। हाँ थोड़ा सा ही था। सो नाउ वी आर हेयर लाइक ए प्राइवेट आइलैंड, बट ए प्राइवेट आइलैंड है नहीं। अरम्बोल लेक का, अरम्बोल बीच का एक सेकेंड पार्ट है ये। ये काफ़ी खूबसूरत सा है। अभी हम लोग को यहाँ से जाना है स्वीट लेक की तरफ। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे लाइव जैम हो रहा है, वहाँ पे सारे लोग नहाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, बट नाउ स्वीट वाटर के लिए शायद इधर से आना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव अराइव्ड, बट अभी हमें पता चला है कि स्वीट वाटर लेक में ज़्यादा पानी नहीं है, सारी पानी निकल चुकी है। एक्चुअली नेचर के है ना, सारा समंदर का पानी इस वे होते हुए लेक पे आके जमता है, एंड दैट वाटर इज स्वीट वाटर। स्वीट मतलब खारा पानी नहीं है वो। तो सोचो मतलब समंदर से चिपका हुआ एक तालाब, बट पानी खारा नहीं है, मतलब मैजिकल है ना, नेचर इज मैजिकल। तो स्वीट वाटर लेक की एक वार्निंग, अंदर कोई भी बाहरी फूड ड्रिंक्स वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आपको पास से बाहर का खाना मिलता है देन 1500 रुपये तक की फाइन हो सकती है। एंड नाउ ब्यूटिफुल प्लेस, क्लीन वाटर लेक जो कि है फुल्ली स्वीट वाटर लेक। गूगल में बहुत देखा ये फोटो। सो अभी तक हम लोग को पता नहीं कि यहाँ पे कुछ सिस्टम है कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेट्स सी। सो बस यही था स्वीट वाटर लेक। तो नाउ अभी खैर पानी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा गंदा है चारों तरफ। सो हमने अभी डिसाइड किया कि हम लोग अब बीच पे ही जाके नहाएंगे। वैसे लोकेशन तो मैंने आपको दिखा दिया स्वीट वाटर कैसा दिखता है, यहाँ पे दिख गया लेक, बट नाउ नहाता है। एंड मैंने पानी को भी टेस्ट करा, वो ज़्यादा खारा था बट उतना भी नहीं, एकदम हल्का सॉल्टी था, एडजस्ट करने लायक। सो नाउ वी आर गोइंग टू बीच, ओनली बीच पे ही नहाते हैं क्योंकि आज को पानी भी कम है स्वीट वाटर पे। तो उस लेक पे तो नहाने लायक व्यवस्था थी नहीं, एंड ज़बरदस्ती नहा के मज़ा है भी नहीं। सो नाउ हम लोग अभी यहीं पे इंजॉय करते हैं। सो द ब्यूटीफुल सनसेट इन अरम्बोल बीच, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी टाइम हो रहा है 6:15। हम लोग ने बहुत देर तक यहाँ पे इंजॉय किया, नहाया। सो नाउ अभी हम लोग रेडी होंगे वापस जाने के लिए। ट्रस्ट मी दिस इज द ऑफ बीट लोकेशन इन गोवा ऑफ अरम्बोल बीच। बहुत ही फैंटास्टिक व्यू है, क्राउड भी कम है एंड डिसेंसी बहुत ज़्यादा है। पूरे गोवा में सोचा था हरा नीला पानी मिलेगा, बट पूरे गोवा में हरा नीला पानी वैसा कुछ कहीं नहीं है। सो अरम्बोल बीच जो है नॉर्थ गोवा में, एंड ये वाली जो बीच है ना, ये ऑफ साइड लोकेशन है, ऑफ बीट लोकेशन है ऑफ नॉर्थ गोवा। इस बीच पे बहुत ही मतलब कम लोग ही आते हैं, एंड ऑफ बीट बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉमन प्लेस में से नहीं आता है ये वाला बीच अरम्बोल का। तो यहाँ पे स्वीट वाटर लेक भी है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बैठने का सारा इंतज़ाम किया हो गया है। सो हमारा नहाना तो हो गया, 6 बज रहा है, एंड वाइब्स काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है। इस तरफ टेंट्स वगैरह हैं, लोग हो सके रात को यहाँ पे शायद कैंपिंग करते हो, आई डोंट नो, बट अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ पे। कुछ क्लिप्स है छोटे छोटे, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा क्या नज़ारा मिलता है, कुछ फोटोज क्लिक करेंगे फिर यहाँ से बैक। सो स्वीट वाटर लेक पे कभी भी आना तो इस तरह की रूट्स है, बाइक आपको पहले रखनी पड़ जाएगी, मैं रास्ते में वापस जाते टाइम दिखा दूंगा, ठीक है, आगे चलता। सो यहाँ कुछ इस तरह की जगह है, बहुत सारे लोग ऊपर भी जा रहे हैं बट हम लोग तो नहीं जाएंगे भाई।
क्या जो है बाबा गिर उठ जाएगा। सो नाउ इट्स टू डार्क हियर। सब हम लोग वैसे ही वापस उस पत्थर से जाते हुए, फिलहाल यहाँ पे हो चुका अंधेरा। सारे बॉयज ऑन बैक, तुम भी तो बैक हो। हाँ भाई की ट्रैफिक हुआ के। हाँ यार लेट्स सी क्या होता है। मैंने नहा के निकल के सबसे पहले अपनी बाइक की चाबी खोजी, मुझे नहीं मिली। एंड नाउ वी आर होपिंग कि बाइक की चाबी मेरे बाइक में ही होगी, शायद उदाफा नहीं होगा। सो एक लास्ट गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू, दिस ब्यूटीफुल बीच। एकदम सेपरेट सा बीच है, अनकॉमन है, बिल्कुल विजिट करें, मस्त जगह है। एंड ये वाली जो व्यू है, ये मेन आरंबोल बीच है जहाँ से हम लोग वॉकिंग करना चालू किए थे सुबह को। तो वो कुछ ऐसा दिखता है रात को, चारों शैक्स ओपन हो चुके हैं, सीज़न अभी ऑन है, तो बस देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनली हम लोग अपने मेन आरंबोल बीच आ चुके हैं। दिस इज़ मेन आरंबोल बीच एट नाइट, टेबल्स विद कैंडल्स, कबाना। हम लोग यहाँ से आए थे ना। ओह एक्चुअली मेरे पॉकेट में बाइक की नहीं मिल रही थी, बट नहीं है। अरे यार माय गॉडनेस, माय गॉड, आई केप्ट इट हियर लाइक फॉर सो मेनी आवर्स एंड नोबडी केम टू पिक। माय गॉड, let's light a smoke for that. Thank you. I'm amazed. I'm amazed. Like for only 5-6 hours. Nobody took it like it is safe, huh? Absolutely. Shit. Yes, yes. And हम लोग पागल जैसा ढूंढ रहे हैं पूरा बीच, मेरे पैंट के पॉकेट, बैग वगैरह, और कहीं मिल नहीं रहा है। Shit. And literally मैं actually यहाँ पे क्यों रखा, मैं बता रहा हूँ। मैं हेलमेट यहाँ पे लगा रहा था, तो मैंने चाबी यहाँ पे रखी होगी, हेलमेट लगा के मैं चल गया। यार यहाँ रखी हुई थी, यहाँ मैं सबसे पहले ना ऐसे रखा हुआ, मैं इधर दिखाया कि भाई बाइक में नहीं है चाबी, दिखी नहीं रहता। हम लोग देखे नहीं है चाबी, फिर मैं हेलमेट की तरफ देखा, फिर देखता अरे यहाँ पे चाबी रखा। और कुछ नहीं, बर्थडे तुम्हारा है ओ हीरो, बर्थडे तुम्हारा है, क्या बात हो गया। सो हम लोग आ चुके हैं घर पे। सो जो स्वीट वाटर लेक हमने आपको दिखाया था वो उतरने लायक नहीं था, शायद पानी कम था या फिर थोड़ा ज्यादा गंदा दिख रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे एक हाइप बना हुआ है कि बहुत ही प्यारा जगह है, जगह प्यारा है, बट हाँ पानी में नहाने लायक वैसा था नहीं। सो दैट इज़ वाई वी वेंट टू बीच, हम लोग बीच पे एंजॉय किए फिर वहाँ से आ गए। सो बेसिकली और एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप स्वीट वाटर लेक घूमना जा रहे हो, आरंबोल बीच पे जाके आपको बाइक कहीं पे पार्क कर देना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ तक बाइक नहीं जाती है। यू हैव टू वॉक एट लीस्ट 1 किलोमीटर, यू कैन से नॉट 1 किलोमीटर, 800 मीटर ऐसा आपको चलना पड़ेगा दुकान के बीच बीच से, फिर पत्थर वाली जगह जो मैंने ब्लॉग पे दिखाया वहाँ से क्रॉस करके आप पहुँच सकते हो। बस वही था, लेकिन जगह बहुत ही ऑफ बीट था, बहुत ही प्यारा जगह था, छोटा सा बीच था, एंड एवरीथिंग सेटल्ड। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करें, कमेंट पे बताएं, जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फटाफट, सी यू, बाय।